आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SYL के बैन होने के ऊपर। सो मेनली जो रीजंस हैं, मैं इस वीडियो में डायरेक्टली शुरू करूंगा कि रीजंस। तो वेलकम बैक, मैं मयंक शर्मा, ट्रेंडिंग टॉक्स के अगर एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ये गाना आपने सुना होगा, इस गाना का नाम है SYL एंड ये सिद्धू मूसेवाला, जिनकी अभी हाल ही में हत्या हुई, उनका मरने के बाद ये पहला गाना रिलीज़ हुआ है जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था। इसमें जहाँ पर इंदिरा गांधी का इनोग्रेट किए हुए SYL को दिखाया गया, सतलुज यमुना लिंक को, वहीं दूसरी साइड हरियाणा को डिस्ट्रैक्ट, हरियाणा के लिए एक तरह का हरियाणा को टारगेट किया गया। हरियाणा के एक सिंगर ने तक ये कह दिया कि मैं इस सॉन्ग का रिप्लाई दूंगा। इसी डिस्प्यूट के चलते हुए, ये डेकेड से चलता हुआ डिस्प्यूट है, इसके ऊपर आज ये गाना है। आज का यूथ इससे गलत इंस्पायर हो रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। बैन मतलब अब आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। बैन होने के साथ साथ इस गाने के जो मेन रीजंस थे, इसमें और भी बहुत को मेंशन किया गया, जैसे बलविंदर सिंह जटाना, अ नेम जिसको एट अ टाइम टेररिस्ट कहा गया था, क्योंकि जो चीफ इंजीनियर थे SYL के, इन्होंने उसको गोली मार दी थी। इस गाने में पंजाब जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसके खिलाफ भी बहुत कुछ बोला गया। बहुत से एक्ट्रेस को टारगेट किया गया, जैसे कि बब्बू मान को इस लाइन में टारगेट किया गया को, एज इफ लोगों को कहे तो स्टेट कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ा रहा था। और भी बहुत सारे रीजंस इसको बैन करने के, जो हम आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करते रहेंगे। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू स्कूप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।